नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह। मुख्य समाचार। अमेरिका दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी ने प्रमुख लोगों से की मुलाकात। पीएम मोदी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। L20 की दो दिवसीय बैठक कल से पटना में। पटना पहुंचे प्रतिनिधियों का पारंपरिक स्वागत। और जीतनराम मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद एनडीए में शामिल होने की घोषणा की। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं। अमेरिका पहुंचने पर न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय मूल के लोग भी मौजूद थे। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के प्रमुख लोगों से मुलाकात की। एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि योग सभी के लिए है। योग ने पूरे विश्व को आपस में जोड़ने का काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पटना के श्रीकृष्णपुरी पार्क में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आम जनों के साथ योगाभ्यास किया। वहीं पतंजलि पीठ द्वारा पाटलिपुत्र खेल परिसर में भाजपा बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी समेत अनेक नेताओं ने आम लोगों के साथ योगाभ्यास किया। पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं ने योगाभ्यास किया। दूरदर्शन केंद्र पटना परिसर में भी योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। बैंक ऑफ इंडिया के कर्मियों और अधिकारियों द्वारा पटना के राजधानी वाटिका में योगासन किया गया। जिलों में भी अलग अलग स्थानों पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। G20 देशों के श्रमिक संगठनों की 2 दिवसीय शिखर बैठक L20 कल से पटना में शुरू हो रही है। सम्मेलन के दौरान श्रमिकों की वैश्विक सामाजिक सुरक्षा और भविष्य में महिलाओं की काम में भागीदारी विषय पर खास तौर पर चर्चा होगी। L20 के अध्यक्ष हिरणमय पांड्या ने आज पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस पर 5 टास्क फोर्स गठित किए जाएंगे और बैठक के अंत में विभिन्न विषयों पर संयुक्त बयान जारी किए जाएंगे। हमारे विशेष संवाददाता सलमान हैदर ने L20 के अध्यक्ष हिरणमय पांडे से खास बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंश।
अगला समाचार इस छोटे से अंतराल के बाद। नामों ने शान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, जीत या हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे, अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। सबसे पहले अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं, उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाएं, फिर स्क्रीन पर दिख रहे टीवी लिस्ट को सेलेक्ट करें और फिर फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500, पोलैरिटी वी, सेव करके सेव का बटन दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई गई सभी फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को आप इसी प्रकार से सेव करें और फिर सर्च करें। ध्यान रखें कि आपको अपनी डिश को नहीं हिलाना है। तो लीजिए, अब आपका डीडी फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स तैयार है आपको पहले से भी ज्यादा चैनल्स के मजे देने के लिए, और वो भी बिना किसी मासिक शुल्क के। सिकंदर अपना मुकद्दर अपने खून से नहीं, दूसरों के खून से लिखता है। ईसा पूर्व भारत एक खुशहाल और संपन्न देश था, जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, पर उस पे विदेशियों की बुरी नजर पड़ी। शत्रु भीतर से हो या बाहर से आए। माफ कीजिएगा, G20 देशों के समाचार के विजुअल हम आपको कुछ कारणवश नहीं दिखा पाए। इस समाचार को एक बार फिर से। G20 देशों के श्रमिक संगठनों की दो दिवसीय शिखर बैठक L20 कल से पटना में शुरू हो रही है। सम्मेलन के दौरान श्रमिकों की वैश्विक सामाजिक सुरक्षा और भविष्य में महिलाओं के काम में भागीदारी विषय पर खास तौर पर चर्चा होगी। L20 के अध्यक्ष हिरण्मय पांड्या ने आज पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस पर 5 टास्क फोर्स गठित किए जाएंगे और बैठक के अंत में विभिन्न विषयों पर संयुक्त बयान जारी किए जाएंगे। हमारे विशेष संवाददाता सलमान हैदर ने L20 के अध्यक्ष हिरण्मय पांड्या से खास बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत की प्रमुख बात है कि इस बार G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है और इसमें एक सम्मान बिहार के साथ भी जुड़ गया है कि यहाँ श्रमिक समूहों की, जो G20 के देश हैं, उनके श्रमिक संगठनों की बैठक L20 होने जा रही है। हमारे साथ L20 के चेयर यानी अध्यक्ष श्री हिरण्मय पांड्या जी हैं। हम आज इनसे दूरदर्शन के लिए बात करेंगे। पांड्या जी, दूरदर्शन से बात करने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और अभी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे उठने वाले हैं, जैसा कि हमें पता चला है अमृतसर की जो इंसेप्शन बैठक हुई थी उसमें दो मुद्दे उभर के सामने आए थे, जिसमें कि एक वैश्विक सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, और दूसरा विमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर वर्क। श्रमिक, महिला श्रमिकों की संख्या कम है, जैसा कि आपने ही बताया कि 32% है। इन दोनों मुद्दों पर कितनी गहराई से ये समूह बात करने वाला है इस दो दिवस के लिए बैठक के लिए? पूरे विश्व से जो 20 देशों के से आने वाले हैं, उसमें 29 देशों से करीब 63 प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं, और उसमें से कुछ एक्सपर्ट्स भी रहेंगे और कुछ ट्रेड यूनियन के लीडर्स वगैरह रहेंगे। इन सभी लोग इस पर चर्चा करेंगे। भारत से भी कुछ ऐसे 80 के आसपास लोग उपस्थित रहेंगे, जिसमें ट्रेड यूनियन
लीडर्स भी रहेंगे और साथ साथ एक्सपर्ट्स भी रहेंगे। कुछ ऐसे गणमान्य व्यक्ति भी भारत से उपस्थित रहेंगे जिनके आधार पर इस मुद्दों पर चर्चा, क्योंकि उसका नॉलेज लिया जाएगा, उसका नॉलेज एक्सपर्टाइज यूज़ किया जाएगा, उसके आधार पर किस लोगों ने बहुत सारा काम किया है, जैसे वीवी गिरी नोएडा से और इस प्रकार से रिसर्च वर्क करने वाले भी उपस्थित रहेंगे जिसकी जानकारी देंगे। जैसे अभी अभी बातचीत हुआ उसमें वैश्वीकरण के रूप में जो बात आती है, तो सामाजिक सुरक्षा जो वैश्वीकरण से जुड़ी हुई समस्या है, और इसीलिए सभी देशों के लिए इस प्रकार का है कि सभी को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है, तो सभी को कैसे सामाजिक सुरक्षा प्राप्त किया जाए, तो उसमें फंडिंग का भी विषय आ सकता है, माइग्रेशन लेबर का भी है, मिनिमम वेज का भी है, इसी प्रकार से वुमन एंड फ्यूचर ऑफ वर्क, महिला एवं भविष्य का कार्य, इस विषय पर भी काफ़ी इस प्रकार से चर्चा होगी। ये जो पटना की बैठक है ये पूर्व पीठिका बनेगी श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के लिए। आपने मुझसे हमसे बात की, दूरदर्शन से बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन का भी बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ, अच्छी बात। तो ये थे हिरणमय पांड्या जी जो इस समय अध्यक्षता कर रहे हैं L20 की, और इन्हें भी और हम सबको उम्मीद है कि इन डिलिब्रेशन से बहुत कुछ सकारात्मक चीज़ें निकल के आएंगी। सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद थे। अमित शाह से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने NDA में शामिल होने की घोषणा की है। हम आज से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से NDA का एक पार्टनर होने को नाम लिया है, तैयार हो गया है और हर तरह से NDA के साथ देंगे, यही विचार विमर्श हुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं होगा और निकट भविष्य में तो नहीं देखा। महागठबंधन में हम थे तो फिर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होती रहती थी, जनहित की समस्याओं को लेकर के एकाध दो महीने के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम मुलाकात। बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में भीषण गर्मी और लू से उत्पन्न स्थिति के प्रति केंद्र सरकार गंभीर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि विशेषज्ञों का एक दल बिहार समेत देश भर के लू से प्रभावित राज्यों का दौरा करेगा। एक रिपोर्ट। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश भर में भीषण गर्मी के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। हालांकि इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले फरवरी महीने में ही एक बैठक बुलाई थी जिसमें भीषण गर्मी और लू से होने वाली चुनौतियों के लिए आगाह किया गया था। बैठक के बाद राज्यों को भीषण गर्मी से बचाने और किसी तरह की घटना न होने पाए इसके लिए निर्देश भी जारी किया गया था। सभी राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से मदद की बात कही गई थी। उसी संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण, अपर सचिव लव अग्रवाल, संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव डॉक्टर राजीव बहल, एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवासन, IMD के महानिदेशक एम महापात्रा मौजूद रहे। बैठक में ICMR को कहा गया है कि भविष्य में हीट वेव से देश के किसी भी हिस्से में मौत ना हो इसके लिए निर्देश जारी किए जाए। आपदा प्रबंधन विभाग के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से अररिया में बाढ़ के समय डूबने की घटना और वज्रपात से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। SDRF और आपदा मित्र की टीम लोगों को जागरूक कर रही है। SDRF के सब इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि अररिया के सभी पंचायतों में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो हमें क्या करना है कि गांव में जैसे नदी तालाब नहर है तो उसमें आपदा प्रबंधन कार्यक्रम द्वारा इसका उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना बाढ़ के बारे में, ठनका के बारे में, ठनका से हमें कैसे बचना है, बाढ़ से कैसे बचना है, बाढ़ आ जाता है तो हमें क्या तैयारी करना है, बाढ़ जब खत्म हो जाता है तो हमें क्या करना है। नवादा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भीषण गर्मी के बीच जल संकट गहरा होता जा रहा है। जिले के वासलीगंज में भूजल का स्तर काफी नीचे चले जाने के कारण हाहाकार मचा हुआ है। जल संकट से त्रस्त महिलाओं ने समस्या के समाधान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। नवादा के प्रभारी जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्र ने बताया कि प्रभावित इलाकों में टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है। की तरह
पटना रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। यह ट्रेन पटना से हटिया तक चलेगी। रेलवे इस रूट को 2 बार ट्रायल कर चुका है। रेलवे मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। ट्रेन पटना जंक्शन से सुबह 7 बजे खुलेगी और दोपहर 1 बजे रांची पहुंचेगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी ने प्रमुख लोगों से की मुलाकात। पीएम मोदी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। G20 की 2 दिवसीय बैठक कल से पटना में। पटना पहुंचे प्रतिनिधियों का पारंपरिक स्वागत। और जीतनराम मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद एनडीए में शामिल होने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का